सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले टीबीएस लेबोरेटरीज के बारे में। स्टॉक ने आज हमने जबरदस्त उछाल दिखा है। स्टॉक का प्रेजेंट प्राइस है ऑलमोस्ट 5150 एंड आज का जो हाई है वो 5179 है। टिल नाउ क्लोजिंग तक क्या हाई होता है या फिर क्या लो होता है वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बस स्टॉक ने आज हमने जबरदस्त ब्रेकआउट दिखा। बहुत टाइम से स्टॉक 5000 के जो रेंज है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। आफ्टर ए लॉन्ग कंसोलिडेशन फाइनली वो ब्रेकआउट आया। स्टॉक का 52 वीक हाई देखे तो 5271 है एंड आज का हाई 5179, यानी अपने 52 वीक हाई से स्टॉक एटलीस्ट नियर अबाउट 2% ही नीचे ट्रेड कर रहा है एट दैट मोमेंट। एंड 52 वीक लो 3000, ये स्टॉक मेरा फेवरेट स्टॉक है। 3000 के रेंज से ही मैं स्टॉक को रिकमेंड करते हुए आया हूँ एंड स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न भी दिया है। नाउ आज कोई स्पेशल न्यूज़ तो स्टॉक के ऊपर अब तक नहीं आया है। मे बी इट्स अ फंड बाइंग एंड जो क्वालिटी स्टॉक होते हैं उसको अगर आप पहले से एक्यूमुलेट करके रखो तो जब भी फंड बाइंग होता है एंड जो ट्रेडर है जो इन्वेस्टर है वो भी उस पर बुलिश हो जाते हैं, सो आपको डबल फायदा मिलता है ना। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें तो प्रेजेंट पी है 66.77, हालांकि जो सेक्टर पी है वो 40, बट इट्स अ वेरी वेल परफॉर्मिंग स्टॉक, सो इसका पी थोड़ा एक्सपेंसिव है ना। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में शॉर्ट टर्म में कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, सो आफ्टर लॉन्ग कंसोलिडेशन इसमें ब्रेकआउट आया है। सो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स, जो टेक्निकल पैरामीटर्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टूल्स है उनमें इसका स्कोर बहुत ज़्यादा तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स स्कोर है ओनली 38.8, 30 के नीचे स्टॉक ओवर सोल्ड हो जाता है, 70 के ऊपर ओवरबॉट। सो अकॉर्डिंग टू आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स में या फिर मनी फ्लो इंडेक्स में इसका स्कोर आता है 56.4। सो आरएसआई इंडेक्स में द स्टॉक इज वेरी नियर टू इट्स ओवर सोल्ड जोन, यानी बहुत ज़्यादा मोमेंटम भी स्टॉक में आना बाकी है। एंड एमएफआई में स्कोर है 56.4, यानी स्टॉक अपने ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन के बीच में है। यानी अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक में नेक्स्ट फ्यू डेज में हमने जबरदस्त बाइंग भी देखा, स्टॉक नियर अबाउट 6000 भी चला गया, तब भी एमएफआई एंड आरएसआई इंडेक्स में स्टॉक ओवरबॉट तो नहीं होने वाला। अगर इसका रिटर्न देखें सो जो मेन रिटर्न है वो है 6 मंथ का रिटर्न, वो 41% के करीब है। एंड 1 ईयर में भी 67% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया, 3 ईयर्स में 287% का। 3 मंथ का रिटर्न 15% है, हालांकि 1 मंथ का रिटर्न नेगेटिव है क्योंकि 1-2 महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड पे था। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज को देखें तो सिंपल मूविंग एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज का जो सबसे नियर बाय था वो था 5037, 30-day सिंपल मूविंग एवरेज। आज स्टॉक ने उसको ब्रेक किया है एंड ये बहुत बुलिश इंडिकेशन है। 20-day एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज 4994, यानी 5000 ही था। सो 5000 वॉज अ मेक और ब्रेक लेवल। ये नॉट ओनली इट्स अ 30-day, इट्स ऑलमोस्ट अ 50-day सिंपल एंड एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज भी था। यानी 2 महीने का जो कंसोलिडेशन था 5000 के नीचे वाला उस पे आज स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो स्टॉक बहुत लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मूवमेंट भी देखा, हालांकि क्लोजिंग पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर क्लोजिंग 5000 के ऊपर होता है तो ये एक बुलिश इंडिकेशन है। हालांकि जो 200 एंड 100 एक्सप्लोरेशन मूविंग एवरेज है वो 4162 एंड 4674 है, वहाँ से तो स्टॉक बहुत ऊपर है। यानी आपने 200 सिंपल एंड मूविंग एवरेज स्टॉक 1000 रुपीज ऊपर है, तो दैट इज अ बिग सपोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। नाउ आज स्टॉक ने 5000 के ऊपर का ब्रेकआउट दिया, सो जस्ट स्टॉप लॉस है इस पर्टिकुलर स्टॉक का वो 5000 के करीब ही बनता है। वहाँ से स्टॉक एटलीस्ट 3% ऊपर है, सो दिस इज अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 5100 का स्टॉप लॉस भी आप लगा सकते हो, बट इट्स टू रिस्की क्योंकि इस तरह के स्टॉक में जब ब्रेकआउट आता है सो ये 1 वीक 1 मंथ तक चलता है। इनकी दिन में 7% ऑलरेडी स्टॉक ऊपर है, सो मे बी क्लोजिंग तक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक में आ सकता है अगर कोई स्पेशल न्यूज़ कन्फर्म नहीं हुआ तो। सो 5000 इज अ वेरी बिग सपोर्ट एट दैट मोमेंट। अगर इसको ये ब्रेक करता है फिर से ये 5000 के नीचे चला आता है, सो देन थोड़ा और कंसोलिडेशन मोड पे स्टॉक जा सकता है। सो ये था इस पर्टिकुलर स्टॉक को लेके टेक्निकल एनालिसिस। नाउ अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के हम फंडामेंटल चीज़ों को देखें सो फंडामेंटली सबसे इंपॉर्टेंट जो थिंग है वह कंपनी का पीयर्स के साथ कंपैरिजन। नाउ अगर इस कंपनी के हम पीयर्स के साथ इस कंपनी को कंपेयर करें सो टीबीएस लैब इज वन ऑफ द वेल नोन एंड रेपुटेड कंपनी। सबसे बड़ा जो है सन फार्मा, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है टीबीएस लैब अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। सन फार्मा का जो मार्केट कैप है वो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ है एंड टीबीएस लैब का मार्केट कैप जो है वो 1,28,000 करोड़। यानी आज स्टॉक ने जिस तरह का मोमेंटम एंड जिस तरह का ब्रेकआउट दिया है तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है उसमें भी हमने अच्छा खासा इजाफा देखा है। प्रेजेंट मार्केट कैप है 1,34,000 के करीब। सो 1,34,000 इज नॉट अ स्मॉल नंबर, हालांकि आज का जो डे हाई था वो 1,36,37,000 तक भी था। यानी स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज़्यादा है, 1,37,000 करोड़ का मार्केट कैप वर्सेस सन फार्मा का 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। बट पी देखे सो इसका पी 62.60 है, हालांकि सन फार्मा का भी 34 है। सो वैल्यूएशन वाइज ये स्टॉक सस्ता है, बट रिजल्ट वाइज डीबीएस का परफॉर्मेंस अच्छा है। लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फिगर 32.09, हालांकि जो टॉप 10 कंपनी है उसमें ओनली ग्लैंड फार्मा इज द कंपनी जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28 का है, बट उसका भी पी जो है वो 60 के करीब है। एंड डॉक्टर रेड्डी
जिसका पी 47 है, सिप्ला 31। सो अगर आपको किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मेरा सबसे फेवरेट डिवीज है, उसके बाद सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, ये कंपनीज आते हैं। हालांकि पीडामल, एबॉट, ये स्टॉक भी मेरे बहुत फेवरेट है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम रिजल्ट को देखें, सो रिजल्ट के मामले में भी कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर हम सेल्स देखें तो सेल्स 1961 करोड़ है इन द जून क्वार्टर, जो कि मार्च से बड़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 852 करोड़ अगेंस्ट 716 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 814 करोड़ अगेंस्ट 669 करोड़। एंड नेट प्रॉफिट 557 करोड़ अगेंस्ट 500 करोड़। सो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने अच्छा खासा ग्रोथ देखा, और ये मोमेंटम शायद ये स्टॉक आगे भी जाके कंटिन्यू करे। ये इन्वेस्टर, ट्रेडर, म्यूचुअल फंड सबका बहुत ही फेवरेट स्टॉक है। अगर इस कंपनी का हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। कंपनी का प्रमोटर्स के पास 51.95 यानी 52% का कंट्रोलिंग स्टेक है। लुक एट द एफआई फिगर 20.60, लुक एट द डीआई फिगर 16.56 एंड पब्लिक होल्डिंग 10.89। नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर का जो निवेश है उन स्टॉक में ज्यादा होता है जो शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा वोलेटाइल होता है। यह स्टॉक जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्टॉक है, इसलिए 10.89% का स्टेक पब्लिक या फिर रिटेल इन्वेस्टर का जो है वो अच्छा खासा मान के चल सकते हैं। ये वो स्टॉक नहीं है कि बहुत ज्यादा करेक्शन हो जाए। हालांकि कोई स्टॉक अगर 52 हाई करीब होता है तो स्टॉक में थोड़ा नेगेटिव न्यूज में करेक्शन हो सकता है, बट इस स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत टाइम से इसको एनालिस भी कर रहा हूँ। 5000 इज अ वेरी बिग ब्रेकआउट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इसीलिए मैंने इसको वीडियो को बनाया है। तो 5000 के ऊपर का क्लोजिंग देने के बाद स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम आएगा एंड एनालिस्ट हो या फिर ब्रोकिंग हाउस वो भी बहुत बुलिश हो जाएंगे इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक। सो आपको अगर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना है ना, आपका एक ही स्टॉक में फोकस करना है, वो डीवीएस लैब आपके लिए बेस्ट है। अगर आपको मल्टीपल फार्मास्यूटिकल कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो डीवीएस के साथ साथ सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे कंपनी, एबॉट जैसे कंपनीज भी है जिनको आप फोकस में या फिर रडार पे रख सकते हो। ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड लेटेस्ट अपडेट्स। गुड बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।